वेलकम गाइज, जेकल ऑन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेकल ऑन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले बायोलॉजी, जीव विज्ञान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चलिए, पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारे केमिस्ट्री और फिजिक्स के डिस्कस कर लिए थे। कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट्स के, सर बायोलॉजी भी तो करवाइए, तो ये लो बायोलॉजी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, BCG निम्न के लिए एक वैक्सीन है। ये जो BCG का होता है ना वैक्सीन, ये किसके लिए, कौन से रोग के लिए होता है गाइज? कुष्ठ रोग, पोलियो, कसरा या फिर क्षमा। क्षमा का मतलब होता है TB, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, BCG का वैक्सीन किसके लिए गाइज, कौन से रोग को होने से बचाने के लिए लगाया जाता है? ईमानदार से बताना, आपकी नॉलेज बढ़ेगी ईमानदारी रखोगे तो। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्षमा, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, ये जो BCG का टीका होता है, BCG, ये TB को बचाने के लिए लगाया जाता है, ताकि बच्चे को आगे जाके TB ना हो। और कब लगाया जाता है गाइस, ये जैसे जन्म होता है ना, उस टाइम पे लगा दिया जाता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, उसके 12-24 घंटे के अंतर्गत ही उसको लगा दिया जाता है BCG का टीके को। चलो आगे, और टीके के ऊपर तो वीडियो बना देंगे, आप बोलोगे तो सारे टीके पढ़ा देंगे, जितने भी टीके हैं वीडियो मिल जाएगा उसका। थोड़ा सा आप क्या है, सब्सक्राइब करके रखना, मिल जाएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक रोग एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय एलर्जिक रिएक्शन। कौन सा एक रोग एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होता है? TB, इन्फ्लुएंजा, सबसनी सौत या फिर दमा। ईमानदार से आंसर देना गाइज, कौन सा एक रोग एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होता है? आई होप आपने चूज कर लिया होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका दमा। ठीक है, यानी कि अस्थमा जिसको आप बोलते हो, ऑप्शन डी। बढ़ो आगे की ओर, निम्नलिखित में कौन सी कैंसर कोशिका की एक विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कैंसर सेल। कौन सी कैंसर कोशिका की विशेषता नहीं है, यानी कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी है, तभी तो आप नहीं है कर पाओगे ना। ऑकोजिन के नियंत्रण में होती है, या फिर संपर्क निषेध दिखाती है, या फिर मेटास्टेसिस से गुजरती है, या फिर अधिकता से विभाजित होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका संपर्क निषेध दिखाती है। ठीक है, चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आदिम प्रोटोबायोट से उत्पन्न हुआ है? आदिम प्रोकेंद्रिकी, यूकेरियोट, मेसोकेरियोट या फिर यूकेरियोट। निम्नलिखित में कौन सा आदिम प्रोटोबायोट से उत्पन्न हुआ है? सो गाइज, वो हुआ है आदिम प्रोकेंद्रिकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में आदिम वातावरण के बारे में कौन सा असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्राइमेटिव एटमोस्फियर। स्वतंत्र ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है था, स्वतंत्र हाइड्रोजन मौजूद होता था, शीतलन के परिणाम में CO2, जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया का उत्सर्जन हुआ, शीतलन के कारण कम तापमान होता था। बताइए, आदिम वातावरण की आपकी नॉलेज होगी तो वैसे आ जाएगा आपको, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। ठीक है, आदिम वातावरण। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शीतलन के कारण कम तापमान होता था। कम तापमान होता था, ये गलत बात है, असत्य है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
अनुसरण नहीं करता है। कवक जीवाणु प्रोटोजोआ HIV बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जीवाणु विषाणु रोगाणु सब हमने हमारा जो एक और चैनल है GK MCQ MK चैनल वहाँ पर पढ़ा दिया था हमने आपको जीवाणु विषाणु रोगाणु सब के बारे में। नहीं देखा तो जाके देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच है। निम्न में से कौन सा आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? तो राइट ऑप्शन आया आपका HIV। ठीक है चलो आगे। कौन सी जर्म लेयर यानी कि जनन परत पेश से बनाती है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, पेरिडर्म। कौन सी जर्म लेयर पेश से बनाती है, पेशियां बनाती है? तो गाइस वो बनाती है आपकी मेसोडर्म, मध्य परत, मेसोडर्म। आदिम पृथ्वी पर पहले जीव थे? द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन प्रिमिटिव अर्थ वाज। आदिम पृथ्वी पर पहले जीव थे परपोषित, स्वपोषित या फिर रसो स्वपोषित या फिर रसो, इंग्लिश में भी आप यूज कर सकते हो वर्ड। ठीक है हेटरोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, कीमोट्रॉप, ठीक है सब कुछ इंग्लिश में आपको दिया जाएगा एग्जाम में, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है लैंग्वेज ही। आदिम पृथ्वी पर पहले जीव थे जिसका राइट ऑप्शन है रसोपृत यानी कि केमो हेटरोट्रॉप्स। बढ़ो आगे। वेहलों की चर्बी में सहयोजी ऊतक अंतर्विष्ट होता है? वेहलों की चर्बी में सहयोजी ऊतक अंतर्विष्ट होता है? फीवर ऑफ वेल्स कंटेन कनेक्टिव टिश्यू, वर्णकित, वसायुक्त, श्लेष्मक या फिर जालिका। तो राइट ऑप्शन है गाइस आपका वसायुक्त, वसायुक्त एडिपोज। कुछ गिरे हुए विषाणु में ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक होते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सम इनोप्ड वायरस हैव ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, व्हाट इज इट्स पर्पज? होस्ट की कोशिका झिल्ली के साथ बांधना संरक्षण के लिए, विरोधी एंजाइमों का निर्माण करने के लिए या फिर होस्ट सेल पर हमला करना। गाइस इसका राइट ऑप्शन है आपका होस्ट की कोशिका झिल्ली के साथ बांधना। ठीक है होस्ट की कोशिका झिल्ली के साथ बांधना, बाइंडिंग विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट। चलो आगे। प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से होता है? गोल्जी का है, सूत्रकणिका, कोशिका द्रव्य, नाभिक। प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्षण किसमें होता है? गाइस ये क्वेश्चन आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जब से आपका साइंस में इंटरेस्ट होगा आपने काफ़ी गौर किया होगा। कोशिका, कोशिका द्रव्य, केंद्रक सब पे गौर किया होगा आपने, अगर आप रियल फैन होंगे ना बायोलॉजी के तो आ जाएगा आपको। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका कोशिका द्रव्य। ठीक है प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से होता है कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो हम आपके लिए बनाते रहेंगे, आपके लाइक हमको मिलते रहेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं तो और ज़्यादा वीडियो बनाई जाए। और GK MCQ MK चैनल भी है, लिंक नीचे दे रखा है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद कोई डाउट रहता है स्टूडेंट का, हमारे प्रिय स्टूडेंट का, तो उनके लिए इंस्टाग्राम भी बना रखा है, फेसबुक भी अकाउंट भी बना रखा है ताकि वहाँ पर आप हमसे बातें कर सको, डिस्कस कर सको। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक भी नीचे दे रखा है। ठीक है सुविधा के लिए। ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी से वाक का नाम बताइए। नेम द वेक्टर इन ब्रेक बोन डिजीज यानी कि ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी से, पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि हड्डी तोड़ बीमारी होती क्या है, तभी तो क्लियर कर पाओगे कि इसका वाक कौन है, इसको फैलाने वाला कौन है। सो डेंगू का नाम तो सुना होगा ना आपने, डेंगू, बस वही होता है हड्डी तोड़ बुखार। अब इसका वाक आप बताओ, एडिज मच्छर या फिर टेस्टे मच्छर या फिर सैंड फ्लाई या फिर हाउस मक्की। सो गाइस ये ब्रेकबोन फीवर होता है, इसका वाक सिंपल सी बात है कौन होता है, एडिज मच्छर यानी कि डेंगू किससे होता है, एडिज मच्छर से होता है, बन सकता है क्वेश्चन। और मलेरिया किससे होता है गाइस, मादा एनीफिलीज मच्छर के कारण से। ठीक है डेंगू किससे होता है, एडिज मच्छर से। और डेंगू जो होता है ये जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है या
प्रोटोजोआ से होता है या फिर कवक से होता है, बताइएगा जिसका राइट ऑप्शन क्या है। डेंगू किससे होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, चारों में से आप क्या कहना चाहोगे डेंगू के बारे में? इसका राइट ऑप्शन होगा वायरस, विषाणु, ठीक है, यानी कि विषाणु से होता है डेंगू, यानी कि एडिस मच्छर के कारण से, ठीक है, ये क्लियर रखना। एलर्जी संबंधी और सूजन संबंधी अभिक्रिया में शामिल होता है, यह कोशिका को विस्तारित भी करता है, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, रुधिरस्राव, लसिका, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन। बढ़ो आगे की ओर, प्रथम प्रोस्मियन नर वानरम यानी कि प्रोस्मेट प्राइमेट निम्न से उत्पन्न होते हैं, फल बक्सी बंदा, कपी, कीट बक्सी या फिर वृक्ष स्तनधारी। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कीट बक्सी और वृक्ष बंदारू। अगला क्वेश्चन है, प्लेटरिन को निम्न नाम से भी जाना जाता है, नई दुनिया के बंदर, कपी, पुरानी दुनिया के बंदर या फिर मानव, बताइए। चिप्टिनासा को निम्न नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सो गाइज, उसको जाना जाए नई दुनिया के बंदर के नाम से, ठीक है, नई दुनिया के बंदर के नाम से, और जो हमने लिंक बताए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।